कर्नाटक में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में जारी किया गया प्रजा ध्वनि घोषणा पत्र। 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा, बीपीएल परिवार को रोजाना मिलेगा आधा लीटर नंदनी दूध, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाने का कर्नाटक बीजेपी ने वादा किया। आतंकी गतिविधियों के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को किया बैन, इन मोबाइल मैसेंजर ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजते थे सीक्रेट मैसेज, घुसपैठ को देते थे अंजाम। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में राज्याभिषेक समारोह का आयोजन, श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह, राज्याभिषेक समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, लोगों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। दिल्ली के यमुना घाटों पर सफाई की मुहिम तेज की गई, एलजी वीके सक्सेना ने खुद मौजूदा हालात का जायजा लिया। इस मौके पर एलजी ने कहा 30 जून तक साफ होंगे यमुना घाट। हुगली में गंगा आरती का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष शामिल हुए। दिल्ली के जयपुर हाउस में जनशक्ति प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती तेंजिन कोनचोंग ने साइकिल सवारी अभियान पूरा किया और बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के समर्थन में इस अभियान की चारों तरफ चर्चा हो रही है। बिहार के सीतामढ़ी में जानकी नवमी पर यहां 2 दिनों का सीतामढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें गायक कैलाश खेर ने लाइव कॉन्सर्ट कर समा बांध दिया। सुरों की शाम में लोग जमकर नाचते हुए नजर आए। सीहोर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की सौगात, 53 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। मुंबई में आज मनाया जा रहा है महाराष्ट्र दिवस, राज्यपाल ने रमेश बैस ने फहराया तिरंगा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, राज्य में आज से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और छात्रों के लिए मेट्रो में सफर पर 25% की छूट मिलेगी। इंदौर से अब राजकोट के लिए आज से शुरू हुई नई उड़ान, कोविड काल के बाद आज से फिर से शुरू हुई सूरत के लिए विमान सेवा। पंजाब में 1 मई को मजदूर दिवस पे अवकाश घोषित किया गया, सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान बंद हैं। उत्तर भारत में गर्मी और हीटवेव से अभी जारी रहेगी राहत, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में 4 मई तक बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रा के बीच सामने आई शानदार तस्वीर, नाचते झूमते नजर आए श्रद्धालु, मौसम की बेरुखी का भी भक्तों पर असर नहीं। केदारनाथ धाम में सुबह से जारी है बर्फबारी, बर्फ के साथ भगवान के दर्शन कर रहे श्रद्धालु, 3 मई तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के किसान परविंद्र का अनोखा कारनामा, एक ही पौधे पर उगाए 2 तरह की सब्जी, आलू के पौधे पर ग्राफ्टिंग के जरिए बैगन और टमाटर की खेती। गुड न्यूज के साथ मई महीने की शुरुआत, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 171.50 रुपए की कमी, नई कीमतें आज से ही लागू। मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, इस दौरान बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियों ने इसमें शिरकत की। हरिद्वार में मां काली के दरबार में मत्था टेकने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, विधि विधान से पूजा अर्चना की। फिल्म एक्टर अक्षय कुमार अबुधाबी में बना रहे हैं बीपीएस हिंदू मंदिर में, वहां उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर अक्षय कुमार ने मंदिर के निर्माण में अपनी एक ईंट भी रखी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने रचा इतिहास, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में 58 साल बाद देश को दिलाया गोल्ड, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बधाई दी। लंदन में किंग चार्ल्स के राज तिलक की तैयारियां तेज, ब्रिटिश सेना के जवानों ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल, बकिंगम पैलेस ने जारी की राजा रानी की तस्वीरें।